बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सिवान। संपर्क नंबर 8399 43 151। बिहार में नई सरकार बन गई है लेकिन अभी भी इस बात की चर्चा है कि एनडीए की सरकार बिहार में गिर जाएगी और फिर से नई सरकार यानी कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव का बयान आता है जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी खेला बाकी है। तो उसके बाद सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया है जब बिहार के दोनों डिप्टी सीएम यानी कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दिल्ली पहुंचते हैं, वहां अमित शाह से मुलाकात करते हैं, बीजेपी के वरीय नेताओं के साथ बातचीत होती है और जब उनसे बातचीत के बाद सम्राट चौधरी जब बाहर निकलते हैं तो पत्रकारों से बातचीत करते वक्त सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में जो नई सरकार बनी है और तमाम जो इसके पहले सरकार में जो लोग थे वो ठेकेदार हैं, शराब माफियाओं से जुड़ के काम करने वाले लोग हैं, उन सबका फाइल खोला जाएगा, एक एक करके फाइल खोलेंगे और जो लालू प्रसाद यादव के लाल जो है तेजस्वी यादव वो इस बात को कह रहे हैं कि खेल होगा तो उनको हम लोग खिलौना भी देने का काम करेंगे। देखिए इन तमाम चर्चाओं के बीच अब एक चर्चा ये भी है कि तमाम जो कांग्रेस पार्टी के विधायक है उन्हें हैदराबाद से सभी कांग्रेस के विधायकों को हैदराबाद में शिफ्ट कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि 12 तारीख को यानी 12 फरवरी 2024 को बहुमत साबित करना है, उससे पहले जो है कि बड़ा खेला। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी कहा है कि जीतन राम मांझी हम लोगों के तरफ आ जाएं, हम उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। तो क्या देखिए जिस तरह से सियासी घमासान शुरू हो चुका है, क्या फिर से बिहार में सरकार गिरने वाली है? लेकिन अब एक बात इसमें भी हम करते हैं, लोगों को भी सोचना होगा, समझना होगा, क्योंकि जिसका नाम नीतीश कुमार है जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो इतनी पलटी मारते हैं कि वो अपने लोगों को नहीं सोचते, बिहार के जनता के बारे में नहीं सोचते हैं, उन्हें अपनी कुर्सी प्यारी है इसलिए इस बात को कह रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर नीतीश कुमार हो, नीतीश कुमार ने जब महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी तो उन्होंने भी इस बात को कहा था कि अब हम भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे और जैसे ही वो भाजपा के साथ जाते हैं तो उन्होंने कहा था कि हम पुराने जगह पे आ गए हैं। लेकिन जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाया था तो वही सम्राट चौधरी जो आज नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में डिप्टी सीएम है, वही विजय कुमार सिन्हा जो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार की सरकार में आज डिप्टी सीएम है, इन दोनों का भी जो है उन्हें नीतीश कुमार अच्छे लगने लगे हैं। एक वक्त था कि नीतीश कुमार के बारे में सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को जब तक हम कुर्सी से उतारेंगे नहीं, मुख्यमंत्री कुर्सी से, तब तक अपने माथे पे बंधा पगड़ी नहीं खोलेंगे। जिस भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को कहा था कि नीतीश कुमार के लिए अब आज से जो है कि दरवाजा बंद हो गया है, उसी भारतीय जनता पार्टी ने फिर से दरवाजा खोल करके नीतीश कुमार को अपने साथ ले आई है और बिहार में नई सरकार बनी है। लेकिन चर्चा यह हो रही है कि बिहार में फिर से सरकार गिरेगी और जीतन राम मांझी पलटी मारेंगे और मारने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, यानी कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन देखिए सियासी हलचल जो है वो धीरे धीरे तेज होते हुए नजर आ रही है। आने वाले 12 तारीख को, 12 फरवरी 2024 को बहुमत साबित करना है और उससे पहले बड़ा खेल हो सकता है। इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी और क्या कुछ आपका रुझान होगा, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, देखना होगा क्या कुछ होता है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुगर, गठिया, सफेद दाग, पुरुषों में कमजोरी, शुक्राणु की कमी, पीसीओडी व निसंतान दंपति स्वस्थ एवं खुशहाल जिंदगी के लिए मशहूर आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सक डॉक्टर एमएस हक मेडल एवं अवार्ड से सम्मानित, कई वर्षों से आपके शहर में सेवा दे रहे हैं। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें।